चलो अगला अगला क्लास करते हैं हम लोग। कर रहे थे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में याद करो पहला रिजल्ट बताया था, फर्स्ट रिजल्ट जो बताया है उसी से आगे, ठीक है, उसी से आगे कुछ और क्वेश्चन हम लोग निकालते हैं, कुछ क्वेश्चन और ट्राई करो। ठीक, जैसे देखो, जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया इस टाइप से क्वेश्चन, इफ वाई इक्वल टू, ठीक है, 5x³ प्लस 3x प्लस 6, और क्वेश्चन पूछा फाइंड करो, क्या फाइंड करो जी, स्लोप, स्लोप लिख दे या स्लोप लिख दे या ग्रेडियंट, स्लोप या ग्रेडियंट एट x इक्वल टू 2, ऐसा क्वेश्चन मान लो। ठीक है, एक फंक्शन दिया हुआ y बराबर, और क्या पूछा, इसका स्लोप निकालो या ग्रेडियंट निकालो एट x इक्वल टू 2। ठीक है, तो स्लोप या ग्रेडियंट का मतलब क्या है, इसका मतलब है, इस क्वेश्चन का मतलब है, दैट इज हमें निकालना है dy ओवर dx एट x इक्वल टू 2, मतलब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे और उसमें फिर क्या करेंगे, x की प्लेस पे 2 पुट करेंगे। चलो बताओ, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो, तो y का डेरिवेटिव कितना, dy ओवर dx, याद करो मैंने बताया था अगर कांस्टेंट है और वेरिएबल है तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में रहेगा, x³ का डेरिवेटिव 3x² यहाँ पर 3 और x है, 3 मल्टीप्लाई में रहेगा x का डेरिवेटिव 1 प्लस, और ये 6 कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट अकेला हो तो क्या हो जाएगा, 0, इसका 0 हो गया, तो कुल मिलाकर देखो कितना आ गया, 15x² प्लस 3, और कुछ नहीं, इसमें क्या करो पुट कर दो x की प्लेस पे 2, तो 2 पुट कर दोगे तो बताओ आंसर क्या आ गया, यही पर लिख देते हैं आंसर 2 पुट किया तो 4 60 63 आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए, इफ अब आपके सामने ये ऐसे फंक्शन लिख दिया, ये देखो ऐसे fx बराबर, और ये लिख दिया xc2 लिख दिया, और फिर क्या पूछा, ये पूछ लिया बताओ एफ डैश एक्स क्या होगा। अब ऑप्शन दिया रहेगा, हर क्वेश्चन में ऑप्शन रहेगा, तो मैं बिना ऑप्शन से ही चल रहा हूँ। ठीक है, ऑप्शन देखना, अब देखो ये फंक्शन है और ये डैश पूछा है, मतलब क्या डिफ्रेंशिएट करना है, इसका मतलब ही डेरिवेटिव है, लेकिन याद करो मैंने बताया था इसका मतलब क्या है, खुद समझ आना आपको, एक्स सी टू का मतलब कॉम्बिनेशन, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, याद करो एक्स को घटते हुए मल्टीप्लाई करेंगे कितने बार, 2 बार, तो पहला एक्स घटते हुए तो एक कम करो, दूसरा हो गया एक और होता तो एक कम करके मल्टीप्लाई, तो 2 बार लिखेंगे, एक्स को घटते हुए 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे में क्या आएगा 2 फैक्टोरियल, मतलब 2 × 1, तो फाइनली बताओ क्या आ गया, 1/2 x² - x, ये तो है। और बताओ अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो बताओ इसका डिफरेंशियल क्या होगा, इसका डिफरेंशियल होगा एफ डैश एक्स, मैंने बताया था एफ एक्स हो तो डिफरेंशियल का सिंबल ये होता है इक्वल टू, में यहाँ आ जाओ कांस्टेंट ऑफ वेरिएबल मल्टीप्लाई है तो ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई में रहेगा, सिर्फ इसका डिफरेंशियल होगा, बताओ x² का होता है 2x और x का होता है 1, यही इसका आंसर हो गया, या फिर इसको और मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा x - 1/2, यही इसका आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा भी है, और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखते रहो अभी क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो जैसे ये क्वेश्चन लिख दिया, इफ मान लो fx इक्वल टू, ठीक है, fx इक्वल टू 5x² प्लस मान लो लिख दिया 6x और प्लस 3, और क्या पूछा, पूछा आपसे बताओ f डैश, ठीक है, 4 - f डैश 3 बराबर क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन। तो फिर आपको इस क्वेश्चन को देख के स्ट्राइक करना चाहिए, आपके दिमाग पे बिल्कुल बात आना चाहिए कि ये डेरिवेटिव निकालना है, 4 पुट करना है, डेरिवेटिव निकाला हुआ मैं 3 पुट करना है, फिर उसको माइनस करके आंसर निकालना है। ठीक बात है, इसको देख के समझ में आना चाहिए कि डेरिवेटिव है, इसको देख के समझ में आना चाहिए डेरिवेटिव। चलो करते हैं डिफरेंशिएट, बताओ f डैश x
बराबर क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा एफ डैश एक्स। इसका आप थोड़ा सा स्पीड में करते हैं, एक्स स्क्वायर का 2x इंटू में 5, ये हो गया 10x। इसका होगा x का 1 तो ये हो गया 6, इसका हो गया 0। बस अब क्या करेंगे, इसमें हम एक बार पुट करेंगे x की प्लेस पे 4। जब 4 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, एफ डैश 4। कितना, यहाँ 4 पुट करेंगे तो 40 और 6 46। अब पुट करोगे 3, 3 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, एफ डैश 3। कितना होगा, 30 और 6 36। माइनस कर दोगे, बताओ माइनस कर दोगे तो एफ डैश 4 माइनस एफ डैश 3 आ गया, डैश लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ पर डैश लगा हुआ है, कितना आ गया आंसर, 10। तो यही इसका आंसर है 10 के इक्वल, ठीक है, ये 10 के इक्वल आ गया। लेकिन लेकिन मान लो आंसर तो आ गया, लेकिन ऑप्शन दिया हो। अब अगर मान लो ऑप्शन आपको दिया हो तो मेन तो ऑप्शन रहेगा, ऑप्शंस को देखो, ऑप्शन ए क्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन है और ये ऑप्शन है, मैंने सॉल्यूशन आपको बता दिया है, इसका आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो ये होगा आंसर एफ डैश 1 के इक्वल ऑप्शन ए। फिर ऑप्शन बी में क्या होगा, एफ डैश 2 के इक्वल, नहीं और जी क्या होगा इसमें, एफ डैश ऑप्शन सी है एफ डैश, ठीक है, 0 के इक्वल, या इसमें क्या हो सकता है, ये तो कुछ होगा नहीं, देखो क्या होगा इसका आंसर, नन ऑफ दीज, ठीक है। अब ऐसे अगर ऑप्शन हो तो क्या होगा इसका आंसर, ये आपको बताना है, ठीक है, कि ये जो आंसर निकला ना ये किसके इक्वल होगा। तो अब देखो आपको इसमें थोड़ा सा बताना है और इस आंसर को लिखना है कमेंट बॉक्स में, नहीं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है, थोड़ा पता चले ना कि आप लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं और कुछ रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में इसका लिखना, आंसर तो मालूम ही है, थोड़ा सा मिला के देखना कि भाई ये किसके इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है, देख रहे हो, तो डिफरेंट डिफरेंट बेसिक कॉन्सेप्ट, एक रिजल्ट, सिर्फ एक रिजल्ट मैंने बताया, अभी ज्यादा रिजल्ट नहीं है, बस एक रिजल्ट एक्स की पावर एन क्या है, ठीक है, उसके बाद का एक कॉन्सेप्ट है। जैसे देखो और क्वेश्चन, देखो मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, इफ एफ एक्स बराबर, ठीक है, एफ एक्स बराबर मान लो यहाँ लिख दिया रूट एक्स, अब प्लस लिख दिया 1 बाय रूट एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और क्या पूछा मैंने आपसे, बताओ एफ डैश 2 बराबर क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन, एफ डैश 2 बराबर क्या होगा। तो फिर इसको देख के समझ में आना चाहिए कि भाई डेरिवेटिव निकालना है और क्या करना है, 2 पुट करना है, तो डैश मतलब डेरिवेटिव, ठीक है। अब यहाँ पर डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, दिक्कत कर रहा है नहीं, कैसा रिजल्ट लगाओगे बताओ। अब इसका होल स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना जिसको आता है, देखो जिसको चेन रूल आता है, जो पहले से पढ़ा हुआ है, उसके लिए सब कुछ नहीं है, मैं थोड़ा सा बिल्कुल बेसिक तरीका से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आपको लगना क्या चाहिए कि नहीं, पहले हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, तो ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो इसमें आपको पहला स्टेप वही काम करना चाहिए, मैंने बस आपको एक रिजल्ट बताया है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं अप्लाई करना है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन को दोबारा लिखेंगे, ठीक है, इसको यहाँ लिखा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बताओ क्या होगा, तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इसका स्क्वायर करोगे रूट हट गया, प्लस बी स्क्वायर करोगे इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे रूट हट गया, प्लस 2 इंटू ए बी, बताओ 2 इंटू में ए इंटू में बी, जब इसका मल्टीप्लाई करोगे ना तो रूट से रूट कट गया, बस 2 बचेगा, ये भी सही आ गया। बताओ यही पर इसका सॉल्यूशन निकाल देते हैं, इतना ही जगह में निकाल देते हैं। बताओ अब डिफरेंशिएट करो, अब डिफरेंशिएट करो, क्यों डिफरेंशिएट करो जी, तो ये पूछा है ना, डिफरेंशिएट करने के बाद तो 2 पुट करेंगे। अब बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो इसका अलग होगा, एक्स का डेरिवेटिव 1, 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव मैंने कहा था ना आता है यूज में, तो क्या होता है माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ठीक, इसका क्या हो जाएगा 0 बस। और अब क्या करो, ज़्यादा प्रेजेंटेशन नहीं, सीधा एक्स बराबर 2 पुट कर दो, एक्स बराबर 2 पुट कर दोगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ आएगा 1 माइनस 1 बाय 2 का स्क्वायर, ये हो गया 4, और एलसीएम ले लो तो एलसीएम लेने के बाद क्या होगा, 4 माइनस 1 3 बाय 4, ये इसका आंसर आ गया, देखो, ठीक है। तो कुछ बेसिक क्वेश्चन हम लोग और भी देखेंगे, रिजल्ट एक रिजल्ट मैंने बता दिया है, आगे बढ़ते हैं, और भी रिजल्ट है, मैंने बताया था रिजल्ट क्या क्या होगा, तो अल्जेब्रिक रिजल्ट हो गया, अब आगे रिजल्ट देखो, रिजल्ट नंबर बताते हैं सेकेंड, ठीक, पहला रिजल्ट हो गया अल्जेब्रिक, दूसरा रिजल्ट लिखते हैं, ठीक है, ये रिजल्ट नंबर 2, रिजल्ट नंबर 2 में आप क्या करो, पहले लॉग का रिजल्ट देख लेते हैं। देखो ये रहा वाई बराबर लॉग एक्स बेस ई, बेस ई, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होता है 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स,
ठीक है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव मैंने कहा था रिजल्ट जो है तो बिल्कुल अच्छे बच्चे की तरह याद कर जाना है, ठीक, क्योंकि इसका जो प्रूफ है ना ये आपके सिलेबस आपके स्कोप से बिल्कुल बाहर का चीज है, इसके प्रूफ में ना लिमिट लगाना पड़ता है और लिमिट अब आपके सिलेबस में आई नहीं, ठीक है। तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x, बिल्कुल याद कर जाओ। हाँ कंडीशन है, बेस क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए। बट एक और यहीं पर बता देता हूं, अगर मान लो लॉग एक्स नहीं, लॉग एक्स ही है, लॉग एक्स ही है बट बेस में ए नहीं, सॉरी बेस में ई नहीं ए आ गया, बेस में कुछ और आ गया, तब क्या करोगे? तो करना क्या होगा इस केस में, एक बार इसका डिटेल से देख लेते हैं, रिजल्ट डिटेल मतलब तो देख लेते हैं कि कैलकुलेशन कैसे होता है और उसके हिसाब से फिर और बताते हैं आपको। देखो इसमें क्या करना होगा, ऐसा टेक्निक लगाना होगा जिससे लॉग का बेस क्या आ जाए, ई। तो याद करो लॉग का क्लास हो चुका है, मैंने बता दिया आपको, ये यहाँ पर लिखोगे लॉग एक्स ऊपर और नीचे लिखोगे लॉग ए, और ऊपर नीचे दोनों अपने मर्जी का कुछ भी बेस ले सकते हो, कुछ भी बेस लग दो, ऊपर 10 नीचे 10, ऊपर ही नीचे ही, ऊपर बेस 2 लिख दो नीचे 2 लिख दो, लेकिन हमें तो डिफ्रेंशिएट करना है तो बेस क्या चाहिए, ई चाहिए। तो ये कहलाता है एक प्रॉपर्टी है लॉग का जिसमें बेस चेंज होता है, लॉग एक्स ऊपर लॉग ए नीचे, दोनों का बेस क्या हो गया, ई। और अब क्या करो, इस लॉग को नीचे से ऊपर ले जाओ या नीचे रहने देना है तो नीचे रहने, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस लॉग को नीचे से ऊपर लेकर जाओगे तो क्या होता है, ये हो जाता है लॉग ई बेस ए, ये जगह चेंज करता है, इनटू में क्या आ गया, इनटू में आ गया ये लॉग एक्स बेस ई। देखो इसको ऊपर लेके चले गया, ये इनटू में आ गया। अब देखो ये क्या है, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, इसको अब डिफरेंशिएट करेंगे, इसको अब डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट तो मल्टीप्लाई में जाएगा, लॉग ई बेस ए ऐसे रहेगा ये, ठीक है, लॉग ई बेस ए ये मल्टीप्लाई में जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, लॉग एक्स बेस ई का डेरिवेटिव होगा 1/x। ये देखो तो ये क्वेश्चन है और ये इसका आंसर है। अब इससे और सीधा इस आंसर को देखो, 20 का स्टेप तो ठीक है हो गया, बट सीधा आप इस रिजल्ट को देखिए और इसको भी याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है। लॉग एक्स का क्या होता है, लॉग एक्स बेस ई, लॉग एक्स बेस ई का डेरिवेटिव तो 1/x, तो फिर बेस में कुछ और हो ना तो 1/x तो होगा ही, देखो 1/x तो होगा ही, इनटू में क्या देख लो, इनटू में लॉग ए सॉरी लॉग ई अब बेस ए, लॉग ई बेस ए, देखो लॉग ई बेस ए ये इनटू में आ गया बस। तो यहां पर जो बेस है ना वही बेस है, बस लॉग ई आ जाएगा इनटू में, तो 1/x रहेगा इनटू में आ जाएगा। तो ध्यान से देखो जितना जल्दी आपने ये रिजल्ट लिख दिया उतना ही जल्दी ये भी लिख सकते हैं। देखो कैसे, अगर कोई पूछे लॉग एक्स बेस टू का d4 डेरिवेटिव क्या होगा, तो जी 1/x तो होगा ही, 1/x तो होगा ही, इनटू में क्या होगा, इनटू में होगा लॉग ई बेस टू, लॉग ई बेस टू, बस कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी लगा दो। लॉग एक्स बेस 10 का डेरिवेटिव क्या होगा, तो जी 1/x तो पक्का होगा, इनटू में क्या होगा लॉग ई और बेस 10, तो जो बेस है ना वो बेस में रहेगा, बस ई आ जाएगा यहाँ, 1/x तो होगा ही। तो ये आपका रिजल्ट हो गया सेकेंड, बिल्कुल इसको ढंग से याद रखना। इसके बाद देखो रिजल्ट आता है थर्ड, थर्ड में आपको एक्सपोनेंशियल हो गया, थर्ड जो होगा ना एक्सपोनेंशियल का होगा कॉन्सेप्ट, तो देखते हैं उसको। एक्सपोनेंशियल में क्या होता है ये देखो, y बराबर e टू दी पावर x है, y बराबर e टू दी पावर x है, तो इसका डेरिवेटिव dy ओवर ds क्या होगा, e टू दी पावर x ही होगा, ठीक है, ये अगर दिया है तो इसका रिजल्ट यही होगा, ठीक है, e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x होगा, बिल्कुल इसको याद कर जाना है। लेकिन लेकिन यहाँ पर क्या है, एक चीज मैं बताऊँ आपको, ठीक है, ये जो e टू दी पावर x है ना छोटा सा, ये सही में इतना छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा एक्सपेंशन है जिसको इस छोटे से रूप में लिखा गया है, ये जो चीज है ना ये इसके इक्वल होता है, देखो 1 प्लस 1 प्लस x प्लस x² / 2 फैक्टोरियल प्लस x³/3 फैक्टोरियल, यहां पर आप लगा सकते हो 1 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट x^(n)/n फैक्टोरियल, और ये कहाँ तक चलता है पता है, इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तक, ये देखो ऐसे ये चलता है जी इन्फिनिटी तक। अब यहां पर सवाल ये है, सवाल यहां पर ये है कि मैंने आपको ये क्यों बताया, क्योंकि ऐसे
सीपीटी लेवल पे 2 बार क्वेश्चन पूछा था, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा था। देखो ऐसे लिखा हुआ था कि वाई बराबर, ऐसे लिख दिया था, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। अब प्लस ऐसे इन्फिनिटी लिख दिया। अब फिर ये पूछा था बताओ डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई बराबर क्या होगा। ठीक है, अब इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करने के लिए बैठ जाओगे तब भी हो जाएगा, लेकिन इसको देख के आपको परेशानी हो जाएगा कि आखिर ये लिखा क्या है। तो जब ये एक्सपेंशन मैंने आपको बता दिया तो इसको देखते हैं आपको समझ में आना चाहिए। देखो ऐसे तो बहुत सारे एक्सपेंशन है, सबको याद करने की जरूरत नहीं है, बट एक ये है इसको याद रखो। इस वाई बराबर को देखते क्या समझ में आना चाहिए आपको, ये कुछ नहीं, ये तो वाई बराबर ई टू द पावर एक्स दिया है। नहीं, वाई बराबर क्या दिया है, ई टू द पावर एक्स दिया है, और इसका मतलब यही है हमें अब ये निकालना है। तो क्या करेंगे, वाई मालूम है तो चलो बताओ वाई बराबर अगर ई टू द पावर एक्स है तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या होगा, ये भी इतना ही होगा, ई की पावर एक्स। ठीक है, अब जो हमें पूछा है ना निकालने के लिए, जो पूछा है इसको यहाँ निकाल दो। बताओ डी वाई ओवर डी एक्स कितना निकला, ई टू द पावर एक्स, और वाई बराबर कितना है, ई टू द पावर एक्स। तो बताओ आंसर क्या आ गया, 0। तो बस ये पता होना चाहिए कि ये ई टू द पावर एक्स है, इसका डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स ही होगा, और यहाँ पर हमने रख दिया दोनों को, आराम से ये 0 आ गया। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। फिर इसमें आता है रिजल्ट नंबर 4। फोर्थ रिजल्ट क्या है, देखो फोर्थ रिजल्ट है वाई बराबर ए टू द पावर एक्स। ये भी एक्सपोनेंशियल का ही फंक्शन है, लेकिन यहाँ पर ए आ गया, ए टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स नहीं। तो क्या होता है इसका रिजल्ट, ये होता है ए टू द पावर एक्स मल्टीप्लाई में कुछ और आता है लॉग ए बेस ई। ये बस यही 4 रिजल्ट है जो आपको बिल्कुल याद रखना है। वाई बराबर ए टू द पावर एक्स है तो इसका ये डिफरेंशिएशन होता है ए टू द पावर एक्स का, ए टू द पावर एक्स इनटू में लॉग ए बेस ई। जैसे देखो कोई पूछ लिया आपसे बताओ ई टू द पावर एक्स का क्या होता है, ई नहीं है, 2 है, 2 की पावर एक्स का क्या होगा, क्या कहोगे, 2 की पावर एक्स इनटू में क्या होगा, log 2 बेस ई, डी फॉर डिफरेंशियल। ठीक है, बताओ 4 की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, तो क्या कहोगे, 4 की पावर एक्स इंटू में log 4, इंटू में log 4। अब देखो हो सकता है कि ये क्वेश्चन जो है ना ऐसा ऑप्शन ना हो, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है ना, लॉग के प्रॉपर्टी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होता है। तो 4 का मतलब हो गया 2 की पावर 2 पावर एक्स, 4 का मतलब क्या, 2 का स्क्वायर। तो फाइनली बताओ दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, तो ये मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया, 2 की पावर 2 एक्स, ये 2 आएगा इंटू में, ये 2 आएगा ना इंटू में, तो पावर में क्या हो जाएगा, एक और प्लस हो गया, इंटू में क्या बचा, log 2 बेस ई। तो ये देखो फाइनल आंसर ये है, यहाँ पर जो आंसर है इसका बेस ई है, तो यहाँ पर भी बेस ई है, यहाँ भी ई है। जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो ना कैलकुलस, इस कैलकुलस में अगर लॉग का बेस नहीं दिया है, लॉग का बेस कुछ नहीं दिया, तो बेस क्या मानोगे, ई मान के चलोगे, एकदम बाई डिफॉल्ट है ये। ठीक है, इस चैप्टर में अगर लॉग लिखा हुआ है और बेस नहीं लिखा है तो मान के चलो कि बेस ई होगा, अगर बेस लिख दिया है कुछ और फिर तो समझ में आ ही जाएगा आपको, कोई बात नहीं। तो ये इसका आंसर आ गया देखो। ठीक है, और देखो और क्वेश्चन में इसमें भी आप ऐसे देख सकते हो, एक बार ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, तो इसको अगर आप करोगे ना फोर्थ रिजल्ट से क्या कहोगे, इसका होगा जी डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स इनटू में क्या होगा, लॉग ई बेस ई। नहीं, अगर आप इसको करोगे ना फोर्थ रिजल्ट से तो क्या होगा, ई की पावर एक्स इनटू में क्या होगा, लॉग ई बेस ई। लॉग ई बेस ई कितना हो गया, 1, ये 1 हो गया, तो आंसर क्या आ गया, ई टू द पावर एक्स ही आ गया। तो जो तीसरा रिजल्ट है ना उसको फोर्थ रिजल्ट से हम लोग ऐसे सोल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 रिजल्ट मैंने आपको बता दिया। अब देखो अब यहाँ पर कुछ और मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट, ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको और बता रहा हूँ। ठीक है, वन बाय वन कुछ क्वेश्चन और किया जाए, जिसमें आपको मान लो कि क्वेश्चन नंबर ये है 1। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 इसमें जो 4 रिजल्ट आपने सीखा है ना, इसी से रिलेटेड कुछ कुछ और भी क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जैसे मान लो एक क्वेश्चन ये है, इफ एक्स वाई का मल्टीप्लाई 1 है तो आपसे पूछा गया बताओ डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, ये क्वेश्चन है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन है। ठीक,
तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन रहेगा आपके सामने 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, ऐसे क्वेश्चन देखो। तो इसमें आपको कितना माइंड अप्लाई करना है, जो मैंने अभी आपको बताया 4 रिजल्ट, बस उतना ही अप्लाई करना है, उससे ज्यादा कुछ भी थिंक नहीं करना है। बताओ सबसे पहले क्या लिखना चाहिए आपको? ये तो अलजेब्रिक है, लॉग नहीं है, एक्सपोनेंशियल नहीं, अलजेब्रिक है। अलजेब्रिक में आप क्या देखोगे? वाई बराबर, देखो बताओ वाई बराबर कितना मिला? 1/x, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये y बराबर 1/x है, तो अब आपको इसको क्या करना चाहिए? डिफरेंशिएशन करना चाहिए, डेरिवेटिव करना चाहिए। क्यों? डेरिवेटिव पूछा है ना, इसीलिए। और क्या, y बराबर 1/x है, तो बताओ dy ओवर dx क्या होगा? 1/x का होता है -1/x2, अभी बताया था। ये सब क्वेश्चन बिल्कुल पूछा हुआ है, और अब आपसे जो पूछा है उसको निकालो आंसर। क्या पूछा है? dy ओवर dx, अब प्लस क्या पूछा है? y2, ये तो पूछा है। तो बताओ dy ओवर dx कितना निकाला आपने? -1/x2, अब प्लस बताओ y2 कितना? यहाँ पे देखो, यहाँ से y2 कितना, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? प्लस में 1/x2। देखो ये माइनस, ये प्लस है, कट गया तो 0। तो कौन सा आंसर आ गया? ऑप्शन ए आ गया। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन करवा रहे हैं जिसको आप देखिए 1/1। जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन, तो इसको लिख देते हैं ऐसे, y बराबर, ठीक है, y बराबर मान लो e^x, अब मल्टीप्लाई में किया a^x, और पूछा गया बताओ इसका dy ओवर dx क्या होगा। ध्यान रहे, ध्यान रहे, जितना मैंने भी आपको बताया 4 रिजल्ट, उतना ही आपको आता है, उसके अलावा कुछ और नहीं आता है। ठीक है, आता है तो अच्छी बात है, आप लगा कर लो, बट उसी कॉन्सेप्ट से बनने वाला है। मैं यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ, आप क्या करोगे इसे क्वेश्चन में, देखो कौन सा रिजल्ट अप्लाई करेंगे इसमें, एक्सपोनेंशियल वाला। तो आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को ऐसे लिखोगे e^x इंटू में a^x को आप क्या करोगे, e मल्टीप्लाई में a और पावर में x लिख लो कॉमन। तो y बराबर क्या आ गया? ae^x। अब ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नंबर हो गया, बस एक नंबर जैसा हो गया। अब इसका जो है, इसका डेरिवेटिव कैसे निकालोगे? इसका डेरिवेटिव निकालोगे रिजल्ट 4 से, रिजल्ट 4 नंबर जो रिजल्ट उसे निकालोगे। बताओ a^x का क्या होता है? तो उस हिसाब से आप इसका डेरिवेटिव निकाल दो, क्या होगा? a^x का डेरिवेटिव क्या होगा? तो ये होता है a^x इंटू में क्या होता है? लॉग ए। तो यहाँ लॉग ए का मतलब लॉग ए, बस ये इसका आंसर है। देखो ठीक है, ये फोर्थ रिजल्ट से बनाओ, फोर्थ रिजल्ट से बनाओ, a^x का डेरिवेटिव a^x इंटू में लॉग ए मतलब ये। इसको अगर थोड़ा सा स्प्लिट करना है तो ऐसे हो जाएगा, फिर वापस आ जाएगा a^x e^x। और इसको अगर लॉग का प्रॉपर्टी याद करो, अगर मल्टीप्लाई में तो कैसे लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं लॉग ए प्लस लॉग ई, लॉग ई। अच्छा, मैंने यहाँ पर बेस में कुछ नहीं लिखा है, वैसे फॉर्मूला में लिखा हुआ है कि यहाँ पर बेस में ई आता है। बताओ यहाँ पर बेस में अगर ई है, यहाँ भी बेस ई होगा, यहाँ भी ई होगा, लॉग ई बेस ई कितना हो गया? 1। ये कितना हो गया? 1। तो फाइनली बताओ आंसर क्या आ गया? a^x e^x, इसको लिख दिया 1, और प्लस में क्या लिख दिया? लॉग ए बेस ई, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड रिजल्ट। अब जो सेकेंड क्वेश्चन है ना, इससे मिलता जुलता कुछ और क्वेश्चन देखो, ये बहुत बार पूछा है, ऐसे क्वेश्चन आ जाए 2^ मान लो 3x मल्टीप्लाई में 5^x मल्टीप्लाई में 3^2x, और पूछ लिया बताओ dy ओवर dx क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन देखो, बेसिक में ही ये क्वेश्चन है, ये इसी टाइप का क्वेश्चन पूछ ले। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग इसी टेक्निक से करेंगे जैसे ऊपर हमने किया। क्या करोगे, इस क्वेश्चन को आप लिखोगे ऐसे, हर जगह देखो पावर में x कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, ये क्या है? 2³ 8, ये है 5, ये है 3² 9, मल्टीप्लाई करो 8 × 5 = 40 और 36 360^x। ये देखो तो ये ऐसे दिया हुआ है, समझो कि ये ऐसा है, बस ये हो गया कॉन्स्टेंट a^x। तो रिजल्ट लगा दो, रिजल्ट लगा दो, फोर्थ नंबर रिजल्ट लगा दो, क्या होगा? a^x का डेरिवेटिव लिखोगे a^x इंटू में लॉग ए, अब बेस में क्या होता है? e। ठीक है, हमें तो ऑप्शन पसंद है, बस आंसर ये आ गया। बट इस क्वेश्चन को पूछा गया बहुत बार, और ध्यान पर देखो, इस चीज को ये लिखोगे, इसको ये लिखोगे, तो जनरली क्या होता है ना आंसर,
ओरिजिनल शेप में होता है, ओरिजिनल शेप में, क्वेश्चन का शेप ये है ना, इस शेप में होता है। इसको हम वापस क्या करेंगे, आपको ऑप्शन में ये मिलेगा, ऑप्शन में ये मिलेगा, ऐसा मिलेगा, इस टाइप से आपको मिलेगा, इनटू में लॉग 360, लॉग 360 बेस में ई, ये इसका आंसर है, ये देखो। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन देखो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रिजल्ट से रिलेटेड और बेसिक में। आगे देखो और क्वेश्चन देखो, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन हम बता रहे हैं, यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 3 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें कुछ दो चार एग्जाम्पल बताऊंगा ऐसे। देखो ये देखो, इसमें लिखा हुआ है y बराबर ई टू द पावर लॉग एक्स, तो पूछा गया बताओ इसका डीवाई ओवर डीएक्स क्या होगा। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, ऑप्शन लिख रहा हूं, ये देखो, ठीक है, इसका जो है आपको बताना है आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस। ठीक है, वीडियो पॉज कर लो और देखो आंसर ट्राई कर सकते हो तो करो, ठीक है, मैं ऐसे बता रहा हूँ आगे। तो मैं क्या बता रहा हूँ, जब कभी भी पावर में लॉग दिख जाए तो याद करो प्रॉपर्टी, लॉग का प्रॉपर्टी याद करो, कौन सा प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का नाम है पावर रूल। क्या कहता है पावर रूल, ए की पावर अगर लॉग एक्स हो और बेस ए दोनों सेम हो तो ये चीज एक्स के इक्वल होता है। तो यहां पर भी आपको यही प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। बताओ, जब भी पावर में लॉग दिख जाए तो पावर रूल से पहले सिंप्लीफाई करना, उसके बाद ही क्वेश्चन को आगे ट्राई करना। तो बताओ y बराबर क्या दिया है, e टू द पावर लॉग x। अब इस लॉग का बेस मैंने जानबूझ के नहीं दिया, तो बताओ इस लॉग का बेस क्या होगा। मैंने बताया था कैलकुलस में जब भी बेस नहीं दिया हो तो लॉग का बेस आपको e मानना है, ये e और e सेम है, तो बताओ किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा। तो कुल मिला के क्वेश्चन क्या हो गया, y बराबर x। अब आप ही बताओ y का डेरिवेटिव करोगे तो डी बराबर डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1, तो कौन सा हो गया इसका आंसर, ऑप्शन ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन कुछ और प्रैक्टिस करना, क्योंकि क्वेश्चन जितना मैं बता रहा हूँ ना सारे का सारे क्वेश्चन सीपीटी में और इवन फाउंडेशन में पूछा हुआ है स्टार्टिंग में। कभी भी क्वेश्चन दिख जाए ना ऐसे, ये देखो कैसे ट्राई करोगे, आपको बताना है। अब मान लो ये आ गया e टू द पावर 3 log x, पूछा बताओ dy ओवर dx क्या होगा। तो अब मैं फटाफट सीधा बताते जा रहा हूँ आंसर। देखो क्या करोगे, y बराबर लिखोगे e टू द पावर log x क्यूब, इस तीर को कहाँ भेजो, पावर में, याद करो ये प्रॉपर्टी होता है ना, पावर कभी आगे आता है तो आगे कोई नंबर कहाँ जाएगा, पावर में चला जाएगा। तो ये नंबर कहाँ चला गया, पावर में, क्यों भाई, ये प्रॉपर्टी लगाने में ये तीन डिस्टर्ब कर रहा है प्रॉपर्टी में, देखना है यहाँ पर कुछ नहीं होना चाहिए, आगे यहाँ खाली होना चाहिए, कुछ नहीं, कुछ है तो उसको उधर भेज दो, सीधा हो जाएगा। बस अभी किसके इक्वल आ गया, एक्स क्यूब के इक्वल आ गया। और अब बताओ वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, और एक्स क्यूब का आंसर 3x2। देखो और क्वेश्चन देखो, अगर मान लो ये क्वेश्चन आ गया, इफ दिस इक्वल टू ई टू द पावर ए लॉग एक्स प्लस e टू दी पावर x log a, और पूछा बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा। फिर वही बात भाई, पावर में log है तो पावर रूल से इसको पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, हो सकता है किसी को चेन रूल आता हो, ज्यादा डिफरेंशिएशन आता हो तो आप कर सकते हो, बट उसके लिए भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसे ही करो, जल्दी बनेगा। बताओ किसके कुल होगा, तो y बराबर ये चला गया x की पावर a, तो ये हो गया x की पावर a, और प्लस ये चला गया यहाँ पर, तो क्या हो गया a की पावर x। और ये रिजल्ट भी आप जानते हैं, ये रिजल्ट भी आप जानते हैं, बताओ ये क्या है, x की पावर n पहला रिजल्ट, ये क्या है a की पावर x फोर्थ रिजल्ट। तो y का डेरिवेटिव क्या होगा, ये होगा जी x की पावर n जैसे, तो क्या होगा n x n माइनस 1 हो गया। और a की पावर का डेरिवेटिव क्या होता है, a की पावर x मल्टीप्लाई में log a, बस ये इसका आंसर है, ये देखो। तो ये कुछ क्वेश्चन जो बिल्कुल पूछा हुआ एग्जाम में, ठीक है, तो इसका प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं और क्वेश्चन कर रहे हैं, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर बाकी हम लोग और अगले वीडियो में करेंगे। तो एक क्वेश्चन आप ये देख लो, अगर पूछा आपसे कि ये
वाई बराबर एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर, तो पूछा बताओ डी वाई ओवर डी एक्स एट एक्स इक्वल टू वन क्या होगा। ये देखो ऐसे दिया हुआ है, तो अभी एक एग्जांपल मैंने बताया था क्या करना चाहिए, पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जब भी ऐसे लिख जाओ ना स्क्वायर को ब्रेक कर दो, क्यूब वन क्यूब तो ब्रेक कर दो ज्यादा अच्छा है, फिर निकाल लो। तो वाई बराबर क्या होगा, तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू इन टू ए बी करेंगे तो कट जाएगा, ये होगा, और इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, डिफ्रेंशिएट कर लो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का टू एक्स, याद करो वन बाय एक्स स्क्वायर का मैंने एक रिजल्ट बताया था, रिजल्ट बताया था याद करो, इसको ऊपर ले जा करके आप निकाल सकते हो, नहीं बताया था तो कोई बात नहीं, आप इसको अभी निकाल लो, अभी निकाल लो, जब कभी मैंने बताया था ये ऐसे है तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, ऐसा हो गया नहीं, और इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, एक्स की पावर एन जैसे, तो क्या होगा एन एक्स एन माइनस वन, तो क्या मिला बताओ, माइनस टू एक्स की पावर माइनस थ्री, ठीक है जी, कितना आ गया ये, आ गया माइनस टू, अब पावर निगेटिव है ना, इसको नीचे ले आओ, तो माइनस टू के नीचे एक्स क्यूब, तो यहाँ क्या आएगा माइनस टू के नीचे एक्स क्यूब, तो इसका डेरिवेटिव ये, इसका डेरिवेटिव ये, ठीक है, और प्लस टू का डेरिवेटिव जीरो, टू तो कॉन्स्टेंट है, ये आ गया, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सीधा एक्स की प्लेस पे वन पुट कर दो, एक्स की प्लेस पे ये वन दिया ना, ये पुट कर देना होता है, बस पुट कर दो, क्या आ गया ये टू हो गया, ध्यान से देखो ये माइनस प्लस क्या होगा माइनस, यहाँ वन पुट करोगे तो क्या होगा माइनस टू, आंसर क्या आ गया जीरो। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो दिया, देख रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट पे भी कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं, ये सारे बिल्कुल मल्टीपल चॉइस के लिए फिट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको प्रैक्टिस करो, और जितना रिजल्ट बता दिया बढ़िया से इसको रट जाओ, फिर करते हैं हम लोग अगले वीडियो में, ठीक है, इसका अगला टॉपिक।